हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज डे टू मनाली में और मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आया अभी, क्योंकि इतनी ठंडी है यार कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। उन्होंने फ़ोन किया है कि नाश्ता रेडी है, आ जाओ, तो हम जा रहे हैं। पर यार बहुत ठंडी है यहाँ पे, पानी इतना ठंडा है कि हाथ अभी तक ये कर रहे हैं, ठंडे हो गए पूरे बिल्कुल भी, चेहरा भी। इसलिए धूप नहीं निकली यार, धूप भी नहीं निकली है, कुछ 9:30 हो रहे हैं। आज मौसम बना है, आज बर्फ बर्फ तो नहीं गिरेगी, पता नहीं आज गिरेंगी शायद, और गिरा तो बहुत अच्छी बात है। गिरा तो बहुत अच्छा है, हम वही देखने आए थे। आज नदी का बहाव थोड़ा ज़्यादा है पहले से, आवाज़ से लग रहा हूँ आपको, शायद उधर बारिश हुई है या स्नोफॉल हुआ है, देखते हैं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि हमने कल देखा आपने कि बाइक लेके आए थे, और आज हम जाने वाले हैं टनल, अटल टनल, और भी कोई लोकेशन से आगे, तो वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी कर रहे हैं नाश्ता, और ये रही हमारी बाइक, ये रही वो बाइक जिस पे वहाँ जाने वाले हैं। कल हम शाम में ले आए थे इसको, और ये रहा व्यू, और वहाँ देखेंगे आप तो ये पहाड़ों के ऊपर, देखो अभी भी बादल है। ये हो गया हमारा नाश्ता, कॉफी, चाय। चाय ठंडी हो जाती, नाश्ता करेगा चाय पहले पी लेंगे। आज जो है ना मज़ेदार आ गया, मेरे को पोहा खाने का बहुत दिल हो रहा था, आज पोहा लेके आ गया आज। चलो आज तो बढ़िया है, फिर आज तो अच्छा नाश्ता हो जाएगा। हमने नाश्ता किया है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, शायद से हमको आगे बर्फ़ भी मिले, तो हम फ्रेश होके निकल रहे हमारी बाइक से, दिख नहीं रहे होंगे लेकिन आ रही है बारिश यहाँ पर, मज़ा है आज तो मज़ा आएगा। कोई तो जगह है स्काई वन रिजॉर्ट, वहाँ रुके हैं कि हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। भाई भाई मस्त गाड़ी चला रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं यार। बाइक का सफ़र क्या है यहाँ पर, क्या नज़ारे हैं। अगर आ रहे हो तो ये करने हो ना, लोग बोलते हैं यार गाड़ी पे कैसे एंजॉय करेंगे, भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स जाया करो यार कभी। गाड़ी के ऊपर एक अलग मज़ा है, माना कि ये ठंडी वंडी है लेकिन यही एक मज़ा है। और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो भाई के ऊपर पूरा जैकेट, ये जैकेट पे देखो, पैंट वैंट भी देखो, हाँ जितना देखो कम है। तो चलो मिलते हैं जल्दी से आगे।
बाइक को नहीं जाने दे रहे ऊपर, यहाँ पर उठा लिया हमको, बोल रहे हैवी स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, तो बाइक से जाएंगे, सिर्फ फोर व्हीलर जाएंगे, लेकिन हमको जाना है बाइक से। कभी कुछ देख रहे, कुछ जुगाड़ करते, अगर नहीं हुआ तो फिर कल जाना पड़ेगा, आज का कैंसिल करके जाने नहीं दे रहे यार आगे। स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल की वजह से ये बंद कर दिया, यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर्स के लिए अलाउड है। हम क्या करें, आप सब बाइकर्स सूख जा रहे हैं यहाँ पे, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। ये फील हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे रुका दिया है। नहीं आंटी, नहीं है हमारे पास, आंटी है मैं सोच रहा था कि बाइक से जाएंगे, लेकिन बाइक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, सब बाइक से यहाँ रुक जा रही है, सिर्फ कार अलाउ है। और अगर ज़्यादा हैवी फॉल होता है, सॉरी ज़्यादा स्नोफॉल होता है हैवी, तो कार्स के लिए भी अलाउ नहीं करेगी। अगर कुछ होता है जुगाड़ तो ठीक है, वरना फिर कार या फिर घर जाना पड़ेगा, फिर कल वापस ट्राई करेंगे। दो दिन बोल रहे हैं, दो दिन हैवी होने वाला है, अरे बर्फ़ तो देखनी है, उसी के लिए इतने दूर आए। चलो कोई नहीं, देखते ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी। हाँ जी, क्या हुआ? ये लोग जा रहे हैं बाइक पे, सॉरी कार, गाड़ी में, और छः लोग हो गए, वो छः गाड़ी में छः ही लोग बैठते हैं। अपन सोचते क्या करते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ होगा शायद, चाहे कल मॉर्निंग में करेंगे, कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। इन लोग का जिसका भी जितने भी है, ये लोग कार करके जा रहे हैं, ना चलो ना तो कार पे ही, छः लोग चले जा रहे हैं, कार का प्लान कर रहे हैं, रहेगी ये जितनी बन जाएंगे चार लोग, और कोई आ गया तो देखेंगे। कितने लोग बैठते हैं? छः सात लोग बैठते हैं, छः करके जा रहे हैं। अच्छा, तो जिप्सी से जाने का प्लान हो रहा है, चले जाते यार, अब पता नहीं कल का क्या हो, ज़्यादा हो गए तो फिर कार भी ना जाने दे, रह जाएगा हमारा, चलते हैं। ये कहाँ से है आप? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से हमारे से है। आपके ब्लॉग का नाम? टेबी व्लॉग्स। टेबी व्लॉग्स, ये भी हमारे साथ अभी प्लान कर रहे हैं जाने का, अगर हो गया सक्सेस तो हम भी जाते हैं। मेरा नाम हारिश शेख है, ब्लॉग का नाम हारिश का नाम से हारिश शेख ही है। ओके, थैंक यू। अप एंड डाउन कितना किलोमीटर लेके जा रहे हो? सिर्फ 1000 किलोमीटर तक जाएगा यार। वहाँ से आगे नहीं जा, बर्फ ले रहा तो क्या है आगे जाके? हाँ वो भी है यार, जुगाड़ का तो कोई फंडा लग नहीं रहा है, ही लेता हूँ यार, कार ही करना होगी शायद से, क्योंकि अगर देखना है तो करना होगा, क्योंकि कल का हम बता नहीं सकते, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे अपने डाउन, कसम से बाप ठंडी है यार यहाँ पे, तो वही पकड़ना आसान नहीं हो रहा है मेरे लिए। ऊपर तो बर्फ़ हो रही है, पता नहीं ऊपर क्या हाल होगा, लेकिन चलो ठीक है, अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, इसके लिए खोपन रखना पड़ेगा, ग्लव्स नहीं पहन सकता मैं। तो हो गया है फिक्स फाइनल कि गाड़ी से चलते हैं, फोर व्हीलर से, ठीक है, पता नहीं कल मिले ना मिले, कल ज़्यादा स्नोफॉल हो गई तो वाली कार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो किया है जा रहे, बहुत स्नोफॉल है, सॉरी बहुत ठंडा है यार, अरे हमारी कार चलते हैं। हेलमेट डाल लूँ पीछे? हाँ पीछे डाल दो। जी तो हो गया हमारा फिक्स का गाड़ी से जाने का, क्योंकि बाइक से तो कोई चांस नहीं दिख रहा था, नहीं हो रहा था। और ये तबरेज भाई कैसा लग रहा फिर, अभी कर लिए फाइनल? भाई कर ली यार गाड़ी, कोई इशू नहीं, देखो क्या होता है, ये चीज़ें होती है और यहाँ पर आके ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, बस कुछ पता नहीं ना आगे का क्या, नहीं है क्या सीन है, कल मिस हो जाए और यार यहाँ पर आके अगर रिटर्न जाते तो यार फिर वो गलत बात हो जाती है, बर्फ ही देखनी थी, देखो हमें चाहिए एडवेंचर, अब वो कार में आए या टू व्हीलर में आना चाहिए, बस आना चाहिए। अब निकल गए आगे का सफर, एक गाड़ी में होने वाला है। आपका नाम क्या भैया? डोला भाई। क्या बात है, जबरदस्त नाम है डोला भाई।
रहे यार। ओ तेरी हाथ कांप रहे यार। जिंदगी की पहली स्नो, ये क्या खूबसूरत नजारा है। सलाजी डाल दो भाई साहब, केसर नहीं भाई, इतनी जबरदस्त स्नो नहीं देखी थी यार। हाथ लिटरली हाथ बहुत गंदे कांप रहे हैं। और ये है जो भी है नजारा जिंदगी की पहली स्नो का। अरे हाथ कांप रहे यार बहुत, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोलूं। पहली है ये स्नो, इतना मजा आ रहा है ना, इतना अनबिलीवेबल लग रहा है, मतलब मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता आपको क्या क्या महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्दी बहुत है, हाथ पूरे सुन पड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है ये। हाँ जी तरुण भाई, तरुण भाई कैसा लग रहा है फिर? भाई एक नंबर, मजा आ गया, फुल पावर, फुल पावर, बहुत मजा आ रहा है। ये भी ब्लॉग बना रहे, उनको तो ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग छोड़ के थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। यार शूज गलत पहन के आ गया हूँ मैं, ध्यान रखना पड़ेगा। हम इंटर कर चुके हैं अटल टनल में, बहुत हाथ फ्रीज हो गए क्योंकि हम वहाँ रुके थे स्नो में। ये अटल टनल, ये हमारी गाड़ी जो आगे जाके रुकेगी, हम इंजॉय कर रहे हैं। क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं यार। ऐसे कारें आती है तो साइड में खड़े होना पड़ेगा। सफल हो गया यार यहाँ आना, बर्फ दिख गई। देखो यार यहाँ पे बताता हूँ मैं, जैकेट पे बर्फ़ हो रखी है। यहाँ से निकाल ली, हमको बोला है आगे जाओ क्योंकि पब्लिक जमा हो रही थी। यहाँ से पूरी बर्फ़ आ रही है, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लिटरली चलते चलते बर्फ़ में वीडियोज़ निकाल रहे हैं, एक अलग एक्सपीरियंस है ये। अभी हमको ब्रिज से क्रॉस करके आगे जाना है बर्फ में। आज के व्लॉग में मैं दिखूंगा आपको, और सिनेमैटिक शॉट्स भी अच्छे आएंगे। चेहरे पे बर्फ देख रहे हैं, थोड़ी और जमा कर लेते हैं। क्या बोलते तबरेज भाई, क्या बोलती पब्लिक, एक नंबर भाई, मजा ही आ गया यार। कैसा लग रहा है भाई लोग के साथ, तो हर टाइम मजा आ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप ऐसे एंजॉय करेंगे हर ट्रिप पे इंशाल्लाह। हाँ अनिल भाई, मुझे मिला नहीं यार ऐसे मौका, लेकिन भाई बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान है, इनके साथ डबल मजा हो गया है। फुल मजा और फुल ठंडी, और ठंडी तो हो रही है यार, अभी तो स्टार्ट है मुझसे, और आगे है बहुत ज्यादा। चलो चलते आगे जाते हैं। स्टॉप के आगे जाने नहीं दे रहे,
लेकिन कोशिश करते अगर आगे जाने की तो। तो आगे नहीं जाने दे रहे। आगे वो क्यों हो चुका रास्ता आगे? पैक हो गया। इतने तो सर बंद है। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी है तो पैक हो गया रास्ता, आगे नहीं जा सकते। कोई नहीं कोई नहीं, दो तीन मौसम ऐसा ही है। अच्छा, अब कल तक मतलब हो सके ऐसे गिरेगा तो डेढ़ दो फुट पर गिरेगा, इतना गिरेगा डेढ़ दो फुट। इतना मतलब भी नहीं होगा यार, इतना मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन चलो कोई नहीं। कल यहीं पे ना? हाँ आना होगा, चलो फिर कल भी ट्राई करेंगे यहाँ आने की। और व्यू कल मॉर्निंग में बाइक पे आएंगे, कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी बैठो। अरे किसने लिया है? आप उधर जा रहे हो क्या? ओके, हमको लगा हमारे लिए।